बॉलीवुड के एक दिग्गज और रोमांटिक हीरो आज हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शशि कपूर की। बता दें कि शशि कपूर खानदान के सबसे चार्मिंग हीरो रहे। उनकी खूबसूरती देखकर सभी फिदा हो जाते थे, लेकिन खुद शशि कपूर का दिल एक फॉरेनर लड़की पर फिदा हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेनिफर कैंडल की। शुरू में तो जेनिफर ने शशि कपूर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन बाद में जेनिफर को शशि कपूर से प्यार हो गया। बाद में जब शशि और जेनिफर को इसका एहसास हुआ तो दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इस तरह 1958 में शशि कपूर और जेनिफर की शादी हो गई। लेकिन जेनिफर ने शशि को कभी ये नहीं बताया कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। बावजूद इसके जेनिफर ने घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन 7 सितंबर 1984 को जेनिफर ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शशि जेनिफर से इतना प्यार करते थे कि जेनिफर के निधन के बाद भी शशि ने दूसरी शादी नहीं की और जेनिफर की यादों के सहारे अपने बच्चों के साथ शशि कपूर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब शशि कपूर भी हमारे बीच नहीं रहे। हम तो सब यही कहेंगे कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री ने आज अपने एक और दिग्गज सितारे को खो दिया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।